रिजर्व बैंक ने अपनी डिजिटल करेंसी को रिटेल सेगमेंट यानी आम लोगों के लिए भी लॉन्च कर दिया है। इसका पायलट प्रोजेक्ट देश के 4 शहरों में पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस पायलट में RBI के डिजिटल रुपए या ई रुपए के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके जरिए होने वाले लेन देन की सेफ्टी और क्या दिक्कतें आ रही हैं जैसे पहलुओं को चेक किया जा रहा है। रिजर्व बैंक इस पायलट में एक बड़े फैक्टर को भी चेक कर रहा है जो इस प्रोजेक्ट का बड़ा मकसद है। दरअसल RBI ई रुपए के जरिए लेन देन को ठीक वैसे ही रखना चाहता है जैसा कि कैश के साथ होता है। रिजर्व बैंक अपने इस काम में सफल भी हो रहा है। दरअसल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC के रिटेल सेगमेंट में होने वाले सभी वॉलेट टू वॉलेट पूरी तरह से अज्ञात है। ये ट्रांजेक्शन बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस बात का पता बैंक समेत किसी को नहीं चल रहा है कि कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स या दुकानदार को यूरोपे के जरिए पेमेंट कर रहा है। आखिर हम जब किसी को कैश पेमेंट करते हैं तो लेन देन से जुड़ी पार्टियों को छोड़कर किसी को इस तरह के ट्रांजेक्शन का पता नहीं होता। रिजर्व बैंक के डिजिटल रुपए के रिटेल सेगमेंट के लिए शुरू किए गए पायलट में यह बड़ी सफलता मिली है कि ट्रांजेक्शन पूरी तरह से छिपे हुए हैं। इसके फायदे क्या होंगे, चलिए जानते हैं। असल में इससे आम लोग बेफिक्र होंगे कि उनके ट्रांजेक्शन पर कोई नजर नहीं रखे हुए है और इससे लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। यही फीचर डिजिटल रुपए को UPI के मुकाबले भी बढ़त देता है। UPI से होने वाले सभी ट्रांजेक्शन का एक रिकॉर्ड और हिस्ट्री बनती है और बैंकिंग सिस्टम में सभी ट्रांजेक्शन दर्ज होती हैं। ई रुपए से होने वाले लेन देन पूरी तरह से छिपे रहने से लोग इसे ठीक वैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे वे कैश को यूज करते हैं। डिजिटल रुपए को आम लोगों में पॉपुलर बनाने में ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अगर ई रुपए इन मोर्चों पर खरी उतरती है तो ये UPI के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, यानी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसों के कारोबार में एक बड़ा छेद कर सकती है। गौरतलब है कि पेटीएम जैसे पेमेंट एग्रीगेटरों का पूरा धंधा ही UPI पेमेंट के भरोसे टिका हुआ है। ऐसे में ई रुपए के आने से इनका धंधा कमजोर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक भी यही सुनिश्चित करना चाहता है। 1 दिसंबर से ही रिजर्व बैंक ने ई रुपए को रिटेल सेगमेंट यानी आम लोगों के लिए पायलट के तौर पर शुरू किया। इसमें मर्चेंट्स और आम कस्टमर्स को शामिल किया गया। पहले ही दिन RBI ने 1.7 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी जारी की थी। रिजर्व बैंक का इरादा 50,000 लोगों और मर्चेंट्स को इस पायलट में शामिल करने का है। डिजिटल करेंसी को ठीक उन्हीं डिनोमिनेशंस के जरिए किया गया है जिनमें वास्तविक करेंसी को किया जाता है, जैसे कि 5, 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट। बैंक जैसे इंटरमीडियरीज के जरिए आपको ई रुपया मिलेगा। बैंक आपको डिजिटल वॉलेट की सुविधा देंगे। ये वॉलेट्स आपके मोबाइल फोन या डिवाइसेस में होंगे और इनमें ही डिजिटल रुपया स्टोर होगा। ई रुपी को आप पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट दोनों तरह से ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी दुकानदार को ई रुपए से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको दुकानदार के यहाँ QR कोड को स्कैन करना होगा और फिर आप ई रुपए से पेमेंट कर पाएंगे। इस पायलट में चरणबद्ध तरीके से 8 बैंकों को शामिल किया जा रहा है। पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक को देश के 4 शहरों में शामिल किया गया है। इसके बाद के चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल होंगे। पहले चरण में ये पायलट मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में चल रहा है। कुल मिलाकर डिजिटल करेंसी के रिटेल सेगमेंट में रिजर्व बैंक का पूरा फोकस ऐसे फैक्टर्स पर है जिससे आम लोगों के बीच इसकी स्वीकार्यता को बढ़ाया जा सके। अब अगर ये लेन देन पूरी तरह से सुरक्षित और छिपे हुए हैं तो जाहिर है ई रुपए कैश का बड़ा विकल्प साबित हो सकता है और UPI के लिए भी ये एक बड़ा खतरा होगा।